वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसीज में। आज आ गए हैं नई वैकेंसी के साथ जो कि CACF से निकल कर आ रखी है। इस भर्ती की क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या क्राइटेरिया हैं, कितनी एज लिमिट है, इसमें कैसे सिलेक्शन होना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, इसमें कितनी फ़ीस है एंड इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें ताकि आपको वहां से भी अपडेट वैकेंसीज का मिलता रहे। तो देरी न करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। CISF की आज की जो वैकेंसीज है, यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है और इसकी जो पोस्ट है कांस्टेबल फायर मेल के लिए निकाली गई है, यानी कि इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ कोई पद नहीं दिए गए हैं और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होने वाले हैं। यदि इस भर्ती में इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो पे स्केल है, सैलरी है, वो आपको लेवल 3 की मिलने वाली है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक मिलने वाली है और साथ में अदर अलाउंस यानी कि अलग से भत्ता भी मिलेगा। इस भर्ती की इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 29 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो आवेदन की लास्ट डेट है वो 4 मार्च रखी गई है, यानी कि आपको 29 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर देने होंगे। इस भर्ती की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है वो जनरल वाले, OBC वाले, EWS इनकी 100 रुपये फीस लगने वाली है और जो SC ST हैं और जो एक्स सर्विस मैन हैं उनकी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। आपको फीस केवल ऑनलाइन मोड ही सबमिट करना होगा। इस भर्ती की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो केवल 12th पास मांगी गई है, यानी कि आपने यदि केवल 12th पास कर रखी है तो आप इसमें आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ना कोई इसमें RTI लगने वाली है, ना कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगने वाला है, केवल आप 12th पास होना अनिवार्य होगा। इस भर्ती की एज लिमिट की बात करें तो इसकी इसमें आपकी कम से कम एज 18 साल मांगी गई है और अधिक से अधिक 23 साल मांगी गई है, यानी कि 18 से 23 साल में उम्र मांगी गई है। आपका जो जन्म है वो 5 मार्च 1999 से लेकर 4 मार्च 2022 के बीच में हो। यदि किसी का इन 2 डेट में जन्म हुआ है तो वो भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकता है। यदि किसी को एज में छूट मिलती है तो उसको थोड़ा अलग हो जाएगा, उसका 5 साल 3 साल अलग से बढ़ जाता है। जैसे SC ST को यहाँ पर इस भर्ती में 5 साल की छूट मिल रही है तो SC ST वाले कैंडिडेट जो 28 साल तक के हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पर OBC और एक्स सर्विस मैन वालों को यहाँ पर 3 साल की अलग से छूट मिल रही है, तो 26 साल वाले OBC और एक्स सर्विस मैन वाले कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती की जो वैकेंसी बारे में चर्चा करें तो यह वैकेंसी कांस्टेबल फायर पोस्ट के लिए निकाली गई है। इसमें टोटल पोस्ट 1,194 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। इस भर्ती की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 6 स्टेज में कंप्लीट होने वाली है, जिसमें से एक है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, जिसमें आपका 5 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है जिसको केवल 24 मिनट के अंदर ही कम्प्लीट करना होगा। यदि आप इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की सेकंड स्टेज है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST। इसमें आपकी हाइट और चेस्ट चेक होता है, तो इसमें आपकी कम से कम हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 80 से लेकर 85 यहाँ पर मांगी गई है और साथ में 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, यानी कि आपकी चेस्ट यदि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर आती है तो फुलाने के बाद वो 85 होना जरूरी है, या फिर उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि कम होगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। यहाँ पर देखें जो हिल्स एरिया से जो बिलोंग करते हैं, पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं, उनके हाइट और चेस्ट में यहाँ पर छूट दे रखी है। उनकी यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और यहाँ पर उनकी चेस्ट है 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट मांगी गई है और एक्सपेंसर यानी कि जो चेस्ट का फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर कंपलसरी है, इनका भी रहेगा। जो ST वाले कैंडिडेट हैं उनका देखें, यहाँ पर उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर मांगी गई है और इनकी चेस्ट है वो 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर इनकी चेस्ट यहाँ पर मांगी गई है, इनका भी सेम फुलाव 5 सेंटीमीटर यहाँ पर कंपलसरी होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की थर्ड स्टेज है वो है रिटन टेस्ट है, जो कि आपका OMR sheet पे हो सकता है या फिर कंप्यूटर पे ऑनलाइन हो सकता है। CISF ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ नहीं बताया है कि पेपर किस मोड होने वाला है, वो OMR sheet पे हो सकता है और ऑनलाइन कंप्यूटर पर भी हो सकता है। आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का होने वाला है, इसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और इस पेपर में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको जो टाइम मिलने वाला है 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का टाइम मिलने वाला है। आपको जो नंबर डिवाइडेड है वो इस प्रकार है, पार्ट ए में आपका आता है रीजनिंग, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और पार्ट बी में आता है जनरल नॉलेज, GK,
उसके 25 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे 25 नंबर के, और पार्ट से में आता है मैथमेटिक, उसके भी आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब आता है पार्ट डी, इंग्लिश या हिंदी। इस वो डिपेंड आप पर करता है कि आप इंग्लिश का करते हो कि हिंदी का करते हो। तो यदि आप जब इंग्लिश का ऑप्शन चुनते हो तो आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आप हिंदी का चूज करते हो, ऑप्शन चुनते हो, तो आपको हिंदी के 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अब जो आती है फोर्थ स्टेज, जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपका डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाया जाएगा, जो आपको सेंटर देंगे वहाँ पर, और आपको उसी सेंटर पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचना है। डॉक्यूमेंट में जैसे आधार कार्ड हो गया, 10th 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लें सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है। जो हमारा ऑनलाइन जो कास्ट सर्टिफिकेट बना था, यानी कि ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बना था, उसी को हम कन्वर्ट करवाते हैं सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट में। जब भी कोई सेंट्रल वैकेंसी निकलती है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकलती है, तो उस वैकेंसी में कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला ही मांगते हैं, ना कि स्टेट वाला। यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया है, आप बनवाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास ऑनलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी करवा के, जो एक फॉर्म होता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा सभी के, ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले। आपको केवल उस फॉर्म को अच्छे से फिल करके उसमें उसके साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा देना है। आपको जो जाति प्रमाण पत्र है ऑनलाइन वाला, स्टेट वाला, उसकी फोटोकॉपी लगा देनी है। यदि आपके पास स्थायी निवासी है तो वो लगा दो, लेकिन डॉक्यूमेंट का कोई वहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो केवल मांगते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। आपको ये फॉर्म लेकर जाना है आपकी जो एसडीएम ऑफिस है तहसील की वहाँ पर, या फिर आप जाइए कलेक्टर ऑफिस, वहाँ पर जाकर आपको बोलना है कि हमको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आपको आप जो वो फॉर्म फिल करके ले गए थे उस फॉर्म पर वो सील साइन कर देंगे जो अधिकारी है, तो वही आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। अगला डॉक्यूमेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। ये केवल मांगा जाता है थाने वाला, जो थाने में बनाकर हमको देते हैं वो वाला। और छठवा है डोमेसिल सर्टिफिकेट, यानी कि स्थायी निवासी आपका, आप कहाँ रहते हैं। और सातवा है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी आय कितनी है। यही डॉक्यूमेंट बस वहाँ पर मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यदि आपके पास और अदर सर्टिफिकेट हैं, जैसे स्पोर्ट हो गया, एनसीसी हो गया, तो आप उन सभी को साथ में ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की पांचवी स्टेज है मेडिकल। मेडिकल के बाद आपका छठवी स्टेज है फाइनल मेरिट लिस्ट। आपने जो पेपर दिया है, आप जो पेपर दोगे उसमें आपके कितने नंबर आए हैं, उन्हीं नंबरों पर आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर एक कट ऑफ बनेगी, यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार होगी। यदि आप उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, आपका नाम आ जाता है, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है या हो जाएगा। अब बात करते हैं जिस भर्ती के जो ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे भरना है, फिल करना है। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे पहले से दे दिया है। आप वहाँ क्लिक करोगे सीधा उस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। फिर उसके बाद वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, रजिस्ट्रेशन करने का, उस पर क्लिक करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन जो आधार कार्ड नंबर मांगेगा, और उसमें जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड में, उस पर ओटीपी जाएगा, तो वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है। आपको उनसे लॉग इन होना है, फिर उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप कंप्यूटर की शॉप या किसी साइबर कैफे पर जाकर वहाँ पर फॉर्म फिल करवा सकते हैं। इस भर्ती के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका डाउनलोड करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर लें, और फॉर्म फिल करने से पहले आप उसको एक बार जरूर पढ़ लें, फिर उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पर रेगुलर ऐसी वैकेंसी की वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।